हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड रोल। सबसे पहले प्रेशर कुकर में पानी डालें। पानी डालने के बाद उसमें आलू डालकर 3 सीटी लगने तक आलू को बॉईल करें। आलू बॉईल्ड हो जाएं तो आप उसके छिलके उतार कर अच्छे से उसको मैश कर लें, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसमें मिक्स करने के लिए हम करेंगे प्याज, हींग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, जीरा, सरसों, कड़ी पत्ता और एक हरी मिर्च। इन सबको हम थोड़ा सा तेल डालकर उसमें सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अपने उबले हुए आलू मैश करेंगे और अपनी फिलिंग्स को रेडी करेंगे। बाद में हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड के चारों कॉर्नर अच्छे से कट कर लेंगे। इस तरह मैंने सभी ब्रेड को अच्छे से चारों तरफ से कॉर्नर काट के रख लिया है। और अब ब्रेड को ऊपर नीचे से थोड़े से पानी में गीला करेंगे। गीला करने के बाद हम उसको दोनों हाथों से हल्का सा दबाएंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। पानी रिमूव होने के बाद हम उसमें हमने तैयार की हुई फिलिंग को भरेंगे। फिलिंग को भर के हम अच्छे से उसके चारों कॉर्नर्स बंद कर देंगे। इस तरह मैंने सारे ब्रेड रोल्स बनाकर रख लिए हैं। अब कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम एक एक करके ब्रेड रोल को छोड़ें। गोल्डन ब्राउन होने तक ब्रेड को तलें। तलने के बाद एक एक करके आप ब्रेड रोल को निकाल लें। आराम से निकालना है, हाथ नहीं चलाना। इस तरह से हम एक एक करके सारे ब्रेड रोल निकाल लेंगे और सॉस के साथ सर्व करेंगे।